हाँ तो वाकई यह सादर प्रणाम, मैं हूँ फ्लेंको, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। और आज हम वापस से खेलेंगे फैक्ट्री मैनेजर लाइव सिमुलेटर। तो पहले बाहर चल लेते हैं और बाहर जाकर तुम्हें दिखा दूँ यार मैं सुहाना मौसम कितना अच्छा है। देखो मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, सूरज की तरह ये कहाँ दौड़ के जा रहा है भाई, मौसम काफ़ी अच्छा है। और आज मैंने सोचा यार कि भाई मैं एक मशीन बेच दूँ जिससे भाई हम, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई हम एक ही मशीन या फिर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि मैं प्लास्टिक सोच रहा हूँ कि भाई प्लास्टिक वाली मशीन एक और लेके आऊँगा और प्रोसेस करा हुआ एक और सामान में वापस से रख दूंगा मैं, जिससे भाई हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी चलेगी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो भाई हम आ चुके हैं, ये हमारा आज का भाई सेल पर चल रहा है जो भी है। तो भाई हमने, मेरे पास जो मेटल है भाई उसके ऊपर 106 रुपये का भाई ज़्यादा भाई चल रहा है, यानी कि 100 रुपये का बिकता है और 106 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं 20 के भी जो भी 30 के 30 बेच देता हूँ मैं, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने सारे बेच दिए हैं और हमारे पास 30,878 रुपये हो गए हैं। तो भाई देखो ये है मेटल जो भाई हमने एक प्लेट बना रखी थी, और मैं मेटल प्लेट वाली भाई मशीन है जो वो बेच दूंगा। तो मैं इसको सेल आउट कर देता हूँ, चाहे घाटे में जाए कोई दिक्कत नहीं है हमें। और देखो यहाँ पर प्लास्टिक जो पैनल है उसका भाई रेट देखो कितना कम चल रहा है अभी। और देखो ये है मेटल वाला भाई प्रोडक्ट, मैं इसमें से ही सोच रहा हूँ बाय करने को। तो देखो हमारे पास एक प्लास्टिक पैनल की वीडियो, एक पहले ही ऑलरेडी मशीन पड़ी है और एक प्लास्टिक शीट वाली हमें खरीदनी है। तो मैं, हम दोनों को मिलाकर भाई प्लास्टिक चेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब हम एक प्रोसेस करा हुआ ऑलरेडी सामान को दूसरे प्रोसेस करे हुए सामान से मिलाएंगे तो उसका रेट ज़्यादा बनेगा। तो इसी करके मैं सोच रहा हूँ कि भाई प्लास्टिक शीट वाली जो मशीन है वो लेके आऊँ। प्लास्टिक पैनल की मेरे पास ऑलरेडी मशीन पड़ी हुई है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा भाई बॉब मार्ले की दुकान पर। तो उसके लिए भाई हमें निकलना पड़ेगा अपने घर से, और ये हम आ चुके हैं पौड़ियों से नीचे। और भाई अगर तुम चाहते हो भाई मैं कुछ और भी करूँ तो इसके लिए भाई नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। प्लस भाई, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसमें धीरे धीरे करके भाई हम अपनी कार भी खरीदें नई, क्योंकि ये वाली कार काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ नई कार खरीदनी जरूरी है। तो भाई पहले चलते हैं अपना फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाकर भाई अपनी सेल करेंगे अपनी मशीन पर। उससे पहले भाई मैं पेट्रोल भरा लूँ, प्लस भाई अपा खा भी लेंगे कुछ, क्योंकि भाई भूख हमें लगी है, और खाएंगे नहीं तो भाई अपना भाई स्पीड है जो है, हमारी स्पीड है वो बड़ी ही स्लो हो जाएगी। तो इसी करके हम खा भी लेंगे साथ के साथ। तो भाई पेट्रोल मैं डला लेता हूँ और ये आके आ रहा है भाई। तो भाई हाँ, तो भाई हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप के पास में। तो भाई पेट्रोल भराने से पहले भाई मैं खा लेता हूँ क्योंकि भूख मुझे लगी है। और ये भाई साहब है जो हमें खाना देते हैं, और चलो भाई इनसे हमने खाना खा लिया है। तो ये पेट हमारा पूरा तरह भरा नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। और हमारे पास पेट्रोल काफ़ी है पहले से ही, तो इसी करके हम पेट्रोल बाद में भरा लेंगे। तो यहाँ से यू टर्न मारते हैं और चलते हैं सीधा ही भाई अपना बॉब मार्ले की शॉप पर, और जाकर देख के आते हैं भाई हम कौन सी मशीन अभी खरीद सकते हैं इस टाइम पर, है ना, क्योंकि भाई तभी तो हम बना पाएंगे ना पूरा ऑलरेडी सेटअप पूरा का पूरा अपना। तो ये आ गए हमारी बॉब मार्ले की दुकान, यहाँ से हमें मशीन खरीदनी है। यहाँ मैं पार्क कर देता हूँ इसे, और अब चलते, थोड़ा सा पार्किंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मेरे से, क्योंकि भाई खड़ा ही नहीं जा रही है गड्डी। और ये आ गए हमारे बॉब मार्ले भैया, और इनसे भाई हमने देखो ये है प्लास्टिक शीट्स वाली जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग वाली है भाई, ये मशीन्स पड़ी है हमारे पास, प्लास्टिक मशीन है हमारे पास। देखो प्लास्टिक शीट वाली मशीन हमें बाय करनी है, 31,500 रुपये की है ये, तो हमें यही बाय करनी है। तो इसके लिए भाई हमें पहले जाना पड़ेगा अपने फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाकर भाई अपना पहले जो ऑलरेडी मेटल वाली मशीन है उसे खरीदना पड़ेगा। तो मैं गलत वाली गड्डी में घुसने लगा क्योंकि वो भी नीली थी इसी करके। तो चलो भाई पहले निकलते हैं भाई सीधा फैक्ट्री, और फैक्ट्री से भाई अपना जाकर लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो कार है भाई, ये देखो पुलिस वाली कार बाहर की तरफ खड़ी हुई है काफ़ी सारी, तो पुलिस भी हमारे पीछे से पड़ सकती है। हम तेज चला रहे हैं गड्डी, कोई बात नहीं, हमें पहले पहुँचना ज़रूरी है। तो भाई ये हमारा रास्ता सीधा फैक्ट्री की तरफ जाता है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई धीरे धीरे करके मैं सारी मशीन प्लास्टिक वाली ले आऊँ, जिससे हम ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाएँ। पर भाई ये एक दिक्कत है इसमें, क्योंकि हम अगर प्लास्टिक ही बनाएंगे तो भाई कभी कभार ही प्लास्टिक के ऊपर अच्छा ऑफर चलता है। मे भी हो सकता है भाई एक दिन प्लास्टिक के ऊपर कोई भी ऑफर ना, और हमारी डेली का जो खर्चा है वो $700-$750 बनता है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इसमें से 2-3 मशीनें ले आता हूँ, है ना, तो फिर 2-3 मशीन के बाद में ही मैं वापस से एक और बार फिर से मैं मशीन लेके आऊँगा मेटल वाली। तो मेटल वाली और वुड वाली मशीनें भी ले आऊँगा जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और उससे एक चीज़ सही रहेगी कि भाई जैसे अगर हमारा प्लास्टिक के ऊपर ऑफर नहीं है तो भाई हम वुड या फिर भाई अपना मेटल वाले सामान बेच सकते हैं, जिससे भाई हमें प्रॉफिट होता रहे, थोड़ा होगा पर प्रॉफिट होना ज़रूरी है, नुकसान तो नहीं होगा ना कम से कम। तो भाई हम आ चुके हैं, ये प्लास्टिक वाली मशीन है हमारी, ये हमने बेचनी नहीं है। और ये भाई साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वर्किंग पर लगे हुए हैं,
ये है हमारा मेटल वाला जिसे हमने रोक रखा था कि काम करने से, और इसको मैं सोल आउट कर देता हूँ। तो भाई इसे सोल्ड कर दिया मैंने, चलो भाई बेच दिया इसे, हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो अब बिक चुकी है हमारी मशीन 20,000 रुपये में, हमारे पास 43,000 रुपीस पड़े हैं, और हमारी जो मशीन वो 31,500 रुपये में आएगी। तो हम मशीन इसमें खरीद लेंगे और बाकी का खर्चा हमारे चल जाएगा। तो इस वाले रूम में यार इधर से तो निकलेगी नहीं हमारी गड्डी, और मैं गड्डी हर बारी भाई अंदर ही ले आता हूँ, क्योंकि भाई देखो अभी थोड़ा सा कम है ना, और जगह भी कम है, और ऊपर से भाई हमने ये वाली जगह भरी भी नहीं, तो इस करके मैं गड्डी अंदर ही ले आता हूँ, जिससे भाई हम जल्दी से जल्दी काम पर कर पाए, है ना। तो भाई यहाँ से निकलते हैं सीधा, चलते हैं बॉब मार्ले की दुकान पर, और वहाँ पर जाकर खरीद लेते हैं भाई अपनी मशीन, जिससे हम और भी ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो भाई हमारे पास हैं 43,000, देखते हैं भाई कितने हमारे पास बचते हैं और कितना हमें और लगाना पड़ेगा। तो ये रास्ता यार, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा दूर मेरे को लंबा पड़ता है, पर सही है यार, हमारे पास कार है, एक आधी लग्जरी कार खरीद लेंगे तो हम और भी जल्दी पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलेगी। और यहाँ की तरफ से भाई हमें होना है लेफ़्ट, ये आ गया हमारा लेफ्ट टर्न। तो यहाँ से हम बॉब मार्ले की दुकान पे से काफ़ी पास पहुँच जाएंगे, वैसे भी यार बॉब मार्ले की दुकान हमारे घर के बैक साइड ही है, ठीक है, तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं, घर से भी हम जाकर पैदल भी जाएंगे तब भी हम पहुँच जाएंगे। तो ये गड्डी मैंने खड़ा दी है, तो भाई ये आ गई हमारी गड्डी, हम चलते हैं यहाँ से बॉब मार्ले के पास में। ये रहा बॉब मार्ले, इससे लेते हैं अपनी मशीन। तो ये आ गया हमारा मशीन का, और हमें ख़रीदनी है प्लास्टिक शीट वाली मशीन, तो मैंने ख़रीद लिया प्लास्टिक शीट वाली मशीन, और अब मेरे पास 12,100 रुपये कुछ पड़े हैं, तो इसमें से भाई मेरा खाना और डेली का खर्चा निकल जाएगा, तो मैं बाकी भाई पैसे भी कमा पाऊँगा इससे। तो भाई पहले चलते हैं प्लास्टिक शीट, देखेंगे भाई कितने की बिक्री है आज, नहीं तो कल भाई उसका रेट अच्छा हो जाएगा। तो मैं प्लास्टिक पैनल वीडियो जितनी भी है भाई, प्लास्टिक पैनल वाली जितनी भी बनेगी भाई मैं बना के रख लूँगा, प्लस उससे प्रोसेस करके प्लास्टिक शीट बनाऊँगा, और वो भी मैं बना कर रख लूँगा 30, और अगर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मुझे तो मैं भाई सारी 30 की 30 बेच दूँगा, नहीं तो भाई प्लास्टिक पैनल और प्लास्टिक शीट में से किसी ना किसी के ऊपर तो ऑफर चल ही रहा होगा एक टाइम पर, और जिस टाइम पर हमें प्लास्टिक सस्ते में मिलेगा और साथ के साथ भाई वुड और मेटल हमें सस्ते में मिलेगा तो मैं वो भी खरीद लूँगा, और रॉ मटेरियल भाई जो होता है ना रॉ मटेरियल वो हम बेच देंगे, जैसे मेटल और वुड पर दोनों पर भाई अगर ऑफर होगा तो मैं दोनों खरीद लूँगा, और उसके बाद में जैसे ही उसके ऊपर भाई अच्छा प्राइस मिलेगा तो मैं रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल ही बेच दूँगा, उससे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ना होते ही भाई हमारा $700 डेली जो हमारा बनता है भाई वो भी हमारा निकल जाएगा उसी में से। और यार ये गड्डी भाई मैं निकाल नहीं पाया इसमें से, वैसे मैं निकाल लेता हूँ हर बारी पर इस बार अटक गई मेरी गड्डी, कोई बात नहीं हम इसमें से भाई बाहर खड़ा देते हैं इसको और पैदल चल लेंगे इधर से ही, तो ये सही रहेगा। हमें जाना है भाई अपनी एक मशीन सेटल करनी है, क्योंकि ये रही हमारी वो मशीन और इसको लगाना है, ठीक है। तो ये जाकर मैं लगा दूंगा, और इसमें अब सेपरेट सेपरेट करके भाई अलग अलग ब्लॉक बना दूंगा कि यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर वुड है, और यहाँ पर प्लास्टिक है। तो ये मैंने भाई अपनी मशीन लगा दी है, और इस बंदे को काम पे लगा भी दिया है साथ के साथ, क्योंकि भाई हमने प्लास्टिक पैनल पहले ही बना रखे थे और बना के रख रखे थे पूरे दिन से, भाई हमारी प्लास्टिक पैनल बन रहे थे इसी करके। जाकर अब चेक कर दे कितने प्लास्टिक पैनल हैं, और ये मैनेजर वाली भाई कुर्सी भी हमें बाय करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई मैनेजर अगर आ जाएगा तो हमें मैनेज करने के लिए काफ़ी आसान रहेगा, वो रॉ मटेरियल अपने आप खरीद के रख लिया करेगा। तो भाई देखो ये प्लास्टिक हमारे पास 21 पड़े और इसके ऊपर रेट काफ़ी कम चल रहा है अभी इस टाइम पर, और ये हमारे प्लास्टिक पैनल है, ठीक है, तो भाई इसके ऊपर रेट काफ़ी कम है, और ये है हमारी प्लास्टिक शीट। भाई प्लास्टिक शीट अगर मैं अभी बनाकर बेचूंगा तो भाई उससे मुझे कम से कम $25 या $30 तक का फ़ायदा हो जाएगा मिनिमम, इतना का ही, हाँ $25 तक का फ़ायदा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं हम ये करके रख लेंगे। और आगे भाई मैं और भी मशीन खरीदने वाला हूँ, तो अभी ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं तुमसे दूसरी वीडियो में, तब तक प्लास्टिक पैनल और प्लास्टिक शीट को काम करने दो। चलो भाई मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।